चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसान अंदोलन बारे वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि किसानों नू दिल्ली जाण दा लोकतांत्रिक हक है, पर किसानों वालों सेना वर्गा माहौल बनाउणा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाना है तो बस राही जाओ, रेल राही जाओ, पर किसानों का दिल्ली जाण दा इह तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार लाल किले उत्ते की देखण नू मिलिया, हज़ारों की गिणती विच ट्रैक्टर लैके जाना ठीक नहीं है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस नू कहा सी कि तुसी इन्हां नू रोको, किसानों नू भी सट्टा वजिया हन ते पुलिस भी जख्मी हुई है, पत्रकार भी जख्मी हुए ने, दोवें साडे भरा ने, असी नहीं चाहुंदे कि कोई जख्मी होवे। किसानों दे व्यवहार तो पता लगता है कि कोई ना कोई इन्हां दी हमायत कर रहा है। किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनके जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से, कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीज़ें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है, तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था, तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज्यादा जहां बाढ़ आई थी, 4 जिले उसमें हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है, ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है, तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद, और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है, तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था, इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का, और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज किया है। 170 करोड़ रुपया, 2,50,000 इसमें किसान है। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपये भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ से 71 लाख ऊपर, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1,088 करोड़ रुपया अभी तक दिया है, और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाजार में बेचता है, तो जो एवरेज रेट वहां उस इलाके का होता है और जो MSP होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसके बाद में कंजम्पशन का विषय आता है, तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।